और ये जो RTA की जॉब है ना, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। जैसे ये लोग बोट चला रहे हैं तो इसमें भी सैलरी इन लोगों को बहुत अच्छी मिल रही होगी। और एक बोट को ऑपरेट करने के लिए 3 बंदे की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप लोग जॉब देखिए इनकी क्या है कि टिकट चेक करना है, बैठालना है, और एक अपना जो बोट को चलाने के लिए पायलट होते हैं, पायलट बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो उनका एक अलग ही सीन है। चश्मा लगा के बेहतरीन बैठे हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ बोट को चला के इधर से उधर ले जाना है। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी देखने को। और जॉब ये गवर्नमेंट की जॉब है, ये RTA में गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी होगी इन लोगों की। तो RTA में अगर आप लोग लग जाते हो तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है दुबई में जॉब का। RTA बस वगैरह के ड्राइवर वगैरह की सैलरी 5-5, 6-6 हज़ार दिरहम होती है। और हमारे सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई जो इस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हो ड्यूटी शिफ्ट इन लोगों का चेंज हो गया है। तो सिक्योरिटी की भी जॉब बहुत है दुबई में, आप लोग आराम से आके कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सिरा सर्टिफिकेट लेना होता है यहाँ। आज दोस्तों देरा से बर दुबई जाएंगे भाई अबरा, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि अबरा से किस तरीके से आप सस्ते में बर दुबई जा सकते हो और बर दुबई से देरा आ सकते हो। तो टूरिस्ट ज़्यादातर इस बोट में, ये ट्रेडिशनल बोट है तो इसमें घूमना पसंद करता है। तो ये जितनी बोट आपको दिख रही है एक दिरहम में, ये आपको उस साइड पे लेके जाएगी बर दुबई में। तो इंडियन 20 रुपए होता है दोस्तों, 20-22 रुपए एक दिरहम का। तो एक दिरहम में आपको अच्छा खासा घुमा देगी और उस साइड पे ड्रॉप करेगी। तो ज़्यादातर लोग बर दुबई से जो आते हैं देरा, तो बोट सबसे सस्ता पड़ता है उनको। तो अभी फ़िलहाल हम लोग भी चलेंगे उस साइड पे। तो ये पूरा अबरा है, सबका स्टेशन आप देख सकते हो। तो जैसे आप लोग देख सकते हो ये एक दिरहम में सबको लेके जाके उस साइड पे ड्रॉप करते हैं। तो बहुत ही पुराना कल्चर है ये दुबई का, ये लोग चाहें तो यहाँ पर ब्रिज भी बना सकते हैं, लेकिन ये कल्चर को मेंटेन करे हुए सिटी के बीचों बीच क्रीक लेके आए हैं समंदर से। तो ये जो पानी आया हुआ है ये समंदर से आया हुआ है, उसको सिटी के बीचों बीच से निकाला गया है ताकि यहाँ पर कार्गो के जहाज़ बड़े बड़े आ जाते हैं। आप देख सकते हो जहाज़ वगैरह वहाँ पे खड़े हैं, तो कार्गो वालों का भी काम मेन सिटी से जोड़ दिया है। तो दुबई तरक्की के कोई भी रास्ता छोड़ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है जिससे उनकी जो है तरक्की में या आगे बढ़ने में रुकावट कोई चीज़ बने। उनको लगता है इससे ग्रोथ होगी, वो तुरंत अप्लाई करते हैं। आप रोलेक्स टावर देख सकते हो, बहुत पुराना टावर है ये रोलेक्स। तो फिलहाल मैं अभी इस बोट से बेहतर प्रीफर करूंगा कि 2 दिरहम देंगे और दूसरी बोट का मैं वेट कर रहा हूं। तो 1 दिरहम ज़्यादा देना पड़ता है यहां पर, तो एक थोड़ी अच्छी और स्पीड से हमको ड्रॉप करेगी वहां पे। तो मैं वेट कर रहा हूं, वो बोट आ रही है। इस बोट का दोस्तों 2 दिरहम है, ये जो बोट आ रही है ये 2 दिरहम है। और इस बोट में काफ़ी डिफरेंस है। ये बोट 1 दिरहम में लेके जाती है बर दुबई, आप देख सकते हो। और ये जो बोट आ रही है ये थोड़ी VIP बोट है, तो इसमें 2 दिरहम चार्जेस है। तो इसी बोट में मैं उस तरफ क्रॉस करूँगा और स्पीड भी ज़्यादा है और बहुत तेज़ ये हमको वहाँ पर ले जाएगी, जबकि ये वाली 1 दिरहम वाली बहुत स्लो चलती है।
तो टूरिस्ट ज़्यादा सफ़र कर रहा है इसमें, इस बोट में आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, तभी बोट यहाँ पर इस पर बर्थ हो गई है, बोट आ चुकी है यहाँ पर, और इसमें अब हम लोग हम सफ़र करेंगे, उस साइड जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, एक दिरहम का आप लोग टिकट ले सकते हो, वहाँ पर टिकट घर बना हुआ है। तो मेरे पास कार्ड है तो मैं कार्ड ही यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो ये है दोस्तों नॉल कार्ड, तो इसमें बैलेंस मैंने डलवा के रखा हुआ है। तो अभी मैं इसी नॉल कार्ड के थ्रू इस बोर्ड में बैठने वाला हूँ। नॉल कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा, नॉट वर्किंग, ओके। तो भाई टिकट ही लेना पड़ेगा, नॉल कार्ड वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये दे रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट, होलसेल का मार्केट, पूरे गल्फ में सप्लाई यहाँ से हो रही है, सारे मटेरियल यहाँ से जा रहे हैं। बड़े बड़े बैंक आपको दिखेंगे, ईरान बैंक है वो, इमरेट्स बैंक है। तो ये फ़िलहाल टिकट लेते हैं और सफ़र उस साइड का शुरू करते हैं। तो ये अल फहीदी का टिकट 2 दिरहम में मिल गया है। ये टिकट इनको देंगे और बोट में सफ़र करेंगे। तो फ़िलहाल सबसे आगे बैठते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा व्यू दिखा सकें। और ये जो RTA की जॉब है ना, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। जैसे ये लोग बोट चला रहे हैं तो इसमें भी सैलरी इन लोगों को बहुत अच्छी मिल रही होगी, और एक बोट को ऑपरेट करने के लिए 3 बंदे की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप लोग जॉब देखिए इनकी क्या है, कि टिकट चेक करना है, बैठालना है, और एक अपना जो बोट को चलाने के लिए पायलट होते हैं, पायलट बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो उनका एक अलग ही सीन है। चश्मा लगा के बेहतरीन बैठे हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ बोट को चला के इधर से उधर ले जाना है। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी देखने को, और जॉब ये गवर्नमेंट की जॉब है, ये RTA में गवर्नमेंट की जॉब है। बहुत अच्छी सैलरी होगी इन लोगों की, तो RTA में अगर आप लोग लग जाते हो तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है दुबई में जॉब का। RTA बस वगैरह के ड्राइवर वगैरह की सैलरी 5-5, 6-6 हज़ार दिरहम होती है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, बड़े बड़े जहाज़ यहाँ इस क्रीक में आ जाते हैं कार्गो वाले, तो वो आप जहाज़ देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये कार्गो वाले जहाज़ हैं, ये पूरे जहाज़ पे माल भर के ईरान जाता है, यहाँ से ओमान जाता है, बहरीन जाता है, सारी जगह यहाँ से माल कार्गो होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी दुबई में। तो फिलहाल बोट चल चुकी है हमारे, तो ये सारे आप लोग देख रहे हो ना कार्गो के जहाज़ हैं, ये बड़े बड़े। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं और मेरी बोट बर्थ हो चुकी है, तो यहां पर आ चुकी है। और हमारे भाई का काम सिर्फ यही है, रस्सी बांधना और खोलना।
तो फाइनली भर दुबई आ चुके हैं, देरा छोड़ चुके हैं। देरा उस साइड पे है, बहुत बड़े बड़े मार्केट वगैरह है, जॉब वगैरह मैं वहीं पे दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये भर दुबई का एरिया है, टूरिस्ट का एरिया है ये। तो ये एक पुराना वक्त में जैसा दुबई हुआ करता था, टूटी टूटी दीवारें आपको देखने को मिलेंगी, ये सब बनाई गई है। तो ये है दोस्तों भर दुबई। तो आप लोगों को सिर्फ वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को भी थोड़ी मालूमात हो जाए दुबई के बारे में। बहुत छोटा दुबई है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। अगर आधा घंटा आप एक साइड से दूसरे साइड निकलते हो तो आप दुबई से बाहर हो जाओगे, इतना छोटा है। तो ये सब टूरिस्ट की बस खड़ी है, ये सब अट्रैक्शन के लिए बनाया गया है, टूरिस्ट के लिए। सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बहुत फेमस मस्जिद है ये, आप लोगों को दिखा देते हैं जब आ गए हैं तो। और जैसे खेमे पहले ज़माने में हुआ करते थे, अरबी लोग अपने खेमों में बैठते थे, वो ये खेमा बना हुआ है। और ये पानी आप देख सकते हो, मैंने बताया था ना हर जगह कोल्ड वाटर का सिस्टम बना के रखे हैं फ्री में, कि पीजिए आप लोग, इंजॉय कीजिए। तो ये मस्जिद बहुत ही फेमस है और आप लोग कैलेंडर वगैरह में भी इसको देखा होगा। आप देखिए दीवारों में लालटेन लगी हुई है। तो काफ़ी कुछ बना के रखा है दुबई में, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है। आदमी आए घूमे एंजॉय करे, फुल सिक्योरिटी है, कहीं भी आप जा सकते हो, कोई रात में किसी भी वक्त आप निकल जाओ, आप फुल सिक्योर हो। तो ये टूरिस्ट का बहुत ही फेमस लोकेशन है, यहाँ ज़रूर आता है टूरिस्ट, विज़िट करता है। छोटी छोटी गलियाँ आप देख सकते हो। और अगर आप लोग वीडियो वाकई देख रहे हो पूरी, तो आप लोगों को ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि दुबई में आप देखिए ऐसी जगह पे कैमरे वगैरह, देखिए सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है। और हर जगह एसी है, ऐसा नहीं है कि ये पुराना बना हुआ है तो पुराने माहौल है, पूरा एरिया ये ठंडा है, सेंट्रल एसी सब में लगा हुआ है। नालियाँ जैसे अपने तरफ हुआ करती थी पहले, छत पे पानी भरता था, तो यहाँ से पानी से ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है। काफ़ी लंबी वीडियो बनती चली जाती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें टूरिस्ट के लिए हैं, यहाँ पे आते हैं परचेज करते हैं। अब जैसे आ गया छोटी सी चाबी वगैरह आप देख सकते हो, ये सब का कोई काम नहीं है, लेकिन सजाने की चीज़ें हैं ये सब। पुराने लैंप वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ पे पेंटिंग चेक करिए आप लोग, ये पेंट करा गया है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये।
तो ये बरदुबई के एरिए में आ चुके हैं। सामने जो राउंड अबाउट है, इसे मुसल्ला राउंड अबाउट बोलते हैं, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई जो इस पूरे एरिए को कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हो ड्यूटी शिफ्ट इन लोगों का चेंज हो गया है। तो सिक्योरिटी की भी जॉब बहुत है दुबई में, आप लोग आराम से आके कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सिरा सर्टिफिकेट लेना होता है यहाँ पे, जो 1300 से 1500 दिरहम में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ।